हौसले बुलंद हो तो हर मुश्किल आसान बना देंगे। छोटी कहानियों की क्या मिसाल जो आपको हिला देंगे। थक कर बैठ जाते हैं जो मंजिल से पहले, आप और हम बुलंद हौसलों के बल पर आसमां को झुका देंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वैभव हेल्थ केयर। वैभव हेल्थ केयर जो पैडलेगंज के निकट पंजाबी कॉलोनी में प्राकृतिक चिकित्सा का एक केंद्र है, जहाँ पर डॉक्टर अनुराधा शर्मा और डॉक्टर अखिलेश शर्मा प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा विभिन्न प्रकार के रोगों का इलाज किया जाता है। क्षिति जल गगन पावक समीरा, ये हमारे पांच तत्वों से हमारा शरीर बना है और इन्हीं पांच तत्वों के ऊपर पूरी पृथ्वी आसीन है। आइए हम डॉक्टर साहब से रूबरू होते हैं। संक्षिप्त परिचय दें डॉक्टर साहब। धन्यवाद सुनील जी, आपने ऐसा सोचा कि हमारा जो है आप परिचय लोगों को कराएं। आपके चैनल्स को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है डॉक्टर अखिलेश कुमार शर्मा और हम प्राकृतिक चिकित्सा में जो है हमारे पास जो अपना डिप्लोमा है वो NDYD का है, नेचुरोपैथी का और योग का, उसके तहत हम लोगों को स्वास्थ्य लाभ देते हैं। डॉक्टर साहब, मुख्यतः प्राकृतिक चिकित्सा में किन किन बीमारियों का निदान किया जाता है? देखिए, प्राकृतिक चिकित्सा क्या है, प्रकृति से ली हुई जितनी चीज़ें हैं, हमारे पांच तत्व जो हैं, मिट्टी हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया, है ना, मिट्टी पानी हवा, इसे ही हमारा इलाज होता है मुख्यतः। और सबसे बड़ी इसमें जो है आपकी भोजन में फेरबदल किया जाता है, जो आप समुचित भोजन लेते हैं, जैसे प्रकृति का दिया हुआ चीज़ जो है भोजन के रूप में जो है, आप तरकारियां और फल पे ज़्यादा हम वो प्रिफर करते हैं, और इसमें जो है दूध कल्प और जो है का भी चिकित्सा होता है, तो इस तरीके का हमारे पास चिकित्सा है। लेकिन हम जो है यहाँ पर DHN की एजेंसी भी चलाते हैं। DHN इंटरनेशनल एक संस्था है जो लोगों को स्वास्थ्य देता है, स्वास्थ्य के साथ ही धन देना धन भी देता है, और स्वास्थ्य और धन दोनों मिला करके खुशियाँ जो है देता है। डॉक्टर साहब, आम जनमानस में एक भ्रांतियाँ है कि चिकित्सा महंगी होती है, टाइम टेकन लगता है, हमारे चैनल के माध्यम से आम जनमानस को बताने का प्रयास करें। देखिए, ये चिकित्सा महंगी नहीं होती है, ये चिकित्सा तो घरेलू होती है। घर के जितने आपके घर में जितनी चीज़ें हैं या प्रकृति का दिया हुआ चीज़ें हैं, उसमें क्या महंगा और क्या सस्ता है, तो आपको हवा पानी भोजन जो है ये तो चाहिए ही चाहिए, तो इन्हीं से जो है चिकित्सा भी निकल के आती है। आप फल तरकारियाँ से हो गया और मोटे अनाज से जो है, ठीक है, तो आप प्रकृति का जो है जो जड़ी बूटियां हैं उसमें भी आप, जैसे जड़ी बूटियां क्या कहेंगे, बेलचूर्ण वगैरह तमाम ऐसी चीज़ें जो उसमें इस्तेमाल होता है, एलोवेरा है और गैनोडर्म जो मुख्य जड़ी बूटियां हैं उनमें भी इस्तेमाल होता है, तो ये बहुत महंगा नहीं है। ये तो हमारी आदत है, प्राकृतिक चिकित्सा हमारी आदत, अगर अच्छी हैबिट अच्छी आदत को हम अपना लेंगे हम स्वस्थ रहेंगे हमेशा, हमें किसी भी केमिकल ड्रग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हम ये नहीं समझ रहे कि महंगी चिकित्सा है, तो बहुत सस्ती चिकित्सा है। यानी उचित खान पान के द्वारा हम अपने आदतों को थोड़ा सा सही ढंग से अगर प्रयास करें, योग करें नित्य प्रतिदिन, अगर हम व्यायाम करें, तो निश्चित रूप से सारी बीमारियों का इलाज संभव है। जी डॉक्टर साहब, आपके यहाँ यहाँ विभिन्न प्रकार के पेस्ट लगे हुए हैं, एक हम मोटे तौर पर एग्जाम्पल लेते हैं, इस पेस्ट की कीमत इस पर लिखी है डॉक्टर साहब 345 रुपये। मार्केट में जो पेस्ट अवेलेबल है जैसे पेप्सोडेंट के डिफरेंट, तो उसमें 10 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, लेकिन आम जनमानस जो है इतना महंगा पेस्ट क्यों खरीदेगा और क्या फ़ायदा है, इसके बारे में बताने का प्रयास करें। देखिए, ये गैलोजी टूथपेस्ट है जो 190 से ज़्यादा देशों में जाता है। DHN का ये अपना खुद का प्रोडक्ट, खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है। ये 110 इंच पेस्ट है, 440 दिन ये आपका चलेगा अगर इसका आप चौथाई हिस्सा इस्तेमाल करते हैं, और ये मल्टीपल फंक्शंस का है, आप इससे तमाम जो है चिकित्सा के रूप में भी आप ले सकते हैं। जी, जैसे जैसे आपका ओरल प्रॉब्लम्स के लिए तो है ये, पायरिया के लिए है, दुर्गंध के लिए है, मसूड़ों में सूजन है उसके लिए है, थायराइड के लिए है, ग्रंथियां अगर आपका गले की ग्रंथियां खराब हो रही हैं उसके बजाय, आप जैसे कोई भी कीड़ा मकोड़ा काट लेता है तो उसमें पानी मिला के वहाँ लगाते हैं, तुरंत आराम मिलता है। और दूसरी बात, जहीं जल गए कट गए तो उसमें पानी मिला के लगाए, आराम मिलता है। दांत खाज में भी इसका इलाज, हाँ, लगा करके राहत ले सकते हैं इससे, अगर रेसेस हो गए
खुजली हो रही है कहीं पे, या बहुत गर्मी आपको सता दिया है, तो इसमें थोड़ा सा पेस्ट को जो है पानी मिला करके चेहरे पे और सर में लगा करके आप थोड़ा सा तो छोड़ दीजिए, और उसके बाद थोड़ा सा जो है इसमें पानी लगा दीजिए तो आपको ठंडा एहसास मिलने लगेगा। जैसे आमतौर पर लोगों के सांस से बदबू आती है और हाँ से खून भी आता जी, है जी, तो क्या ये 100% इसका जो है गारंटेड ये प्रोडक्ट है, 3 से 10 दिन के अंदर जो है इसका लाभ मिलता है। डॉक्टर साहब एक हम दूसरा प्रोडक्ट लेना चाहेंगे, जैसे आमतौर पर दैनिक जीवन में हम लोग सोप का इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हम सोप लगाते हैं जिससे महक बनी रहती है जी। उस सोप में और आपके यहाँ जो सोप है एक जरा सोप दिखाएं हमको। देखिए ये डिएक्शन का गैनोजी सीरीज पूरा आता है, ये गैनोजी सीरीज है पूरा, इसमें शैम्पू पेस्ट सोप ये सारा चीज आता है। तो ये गैनोजी सोप है, ये पॉम ऑयल बेस्ड है, इसके अंदर गैनोडर्मा है, गैनोडर्मा द किंग ऑफ हर्ब, जड़ी बूटियों का राजा, जो आपके सेल पे काम करता है। और हम आप तो जानते ही हैं कि सेल से पूरी बॉडी बनी है, सेल टिश्यू ऑर्गन सिस्टम और बॉडी, अगर ये सारे फंक्शन सही हैं, आपके सेल अगर हेल्दी हैं तो बॉडी हेल्दी है। आमतौर में जितना ही बाजार में जो सोप मिल रहे हैं वो आपके शरीर से तेल निकालता है, और तेल निकलने के बाद जो है समझ सकते हैं गठिया का रोग हो सकता है या तमाम स्किन का रोग हो सकता है और त्वचा जो है शुष्क हो सकती है। लेकिन ये साफ सोप लगाने से, पॉम ऑयल बेस्ड है, इस सोप को लगाने से आपकी स्किन बहुत अच्छी रहती है, उसका तेल बरकरार रहता है स्किन का। तो ये ब्यूटी सोप के रूप में भी है और बाथिंग सोप के रूप में भी है, और ये चलता खूब है जी जी, और घिसता नहीं है ये। इसके अलावा डॉक्टर साहब और कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो आम जनता अगर यहाँ पर आकर के लाभ उठाना चाहे तो उनको आसानी से मिल जाए, या किस प्रकार निदान संभव यहाँ पर है? देखिए मैं जो है एक प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगा। हमारा आज सबसे बड़ी समस्या जो है माल न्यूट्रिशन का है। माल न्यूट्रिशन में क्या है कि जो शरीर को चाहिए हम उस शरीर को दे नहीं पाते हैं, और जो हमें हमारे घर में उपलब्ध रहता है हम वो खाते हैं, या जो हमारा पॉकेट जो है अलाउ करता है हम वो खाते हैं, लेकिन शरीर इससे लेना देना, शरीर का इसका लेना देना नहीं है। शरीर को प्राकृतिक आहार चाहिए, अगर प्राकृतिक आहार अगर आप शरीर को नहीं दे सकते हैं तो जाहिर सी बात है आपको कोई ना कोई विकृतियां झेलना पड़ेगा, कोई ना कोई रोग आपको होगा। इसमें तो, क्या खास बात है डॉक्टर साहब? देखिए ये स्पेस फूड है, इसको डॉक्टर डार्विन ने खोजा था, डॉक्टर डार्विन ने इसकी खोज किया था, स्पायरोगायरा है, ब्लू ग्रीन एल्गी है ये जी जी। और ये ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है, ये शैवाल है जी जी। और शैवाल क्या है कहेंगे, एक ये रेड रेसी लाल मशरूम कोई संजीवनी बूटी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये किंग ऑफ हर्ब है, जड़ी बूटियों का राजा है, इससे ताकतवर जड़ी बूटी आज तक कभी कोई खोज नहीं निकाली गई है। इसीलिए गूगल पे आप जब सर्च करेंगे किंग ऑफ हर्ब तो ये जड़ी बूटी आपके सामने आएगा। तो ये ऑर्गेनिक चाय है, और इस चाय के अंदर ये हमने संजीवनी बूटी डाला है, ये हमारी कंपनी का सबसे सुपर प्रोडक्ट है ये चाय। और हम चाय कॉफ़ी तो पीते ही हैं, तो हमारे कॉफ़ी में भी ये गैनोडर्मा, इसको किंग ऑफ हर्ब गैनोडर्मा ल्यूसिडम कहते हैं, लाल मशरूम है ये। और लाल मशरूम में भी राजनीतिक केंद्र भी बना हुआ था कि हमारे जो बहुत पावरफुल लोग जो हमारे जो पॉलिटिशियन हैं इस मशरूम का सेवन करते हैं, ठीक है। तो ये इस चाय में पड़ा हुआ, दुनिया की पहली ऐसी चाय है जिसके अंदर रेड रेसी लाल मशरूम पड़ा हुआ है, किंग ऑफ हर्ब गैनोडर्मा पड़ा हुआ है। इस गैनोडर्मा को, इस चाय को लोग जो पीने वाला पानी है उसमें डाल करके पीते हैं, एक चम्मच चाय डाल लेते हैं 1 लीटर पानी में और उस पानी को पीते हैं, उससे उनको फायदा क्या होता है, उनको गैस की समस्या खत्म हो जाती है। प्राकृतिक चिकित्सा में चाय का बात नहीं किया जाता है, वर्जित है, लेकिन ऑर्गेनिक अगर प्रोडक्ट है इसके अंदर कोई केमिकल कोई मिलावट नहीं है, तो चाय भी हमारी वनस्पति है और इससे हमको फायदा मिलता है। और उसके अंदर अगर किंग ऑफ हर्ब पड़ा हो, जड़ी बूटियों का राजा, तो क्या इसका क्या फायदा मिल सकता है, गैस की समस्या दूर हो जाएगी, कब्जियत की समस्या, तेजाबियत की समस्या, एसिडिटी जिसको हम कहते हैं, गैस, कॉन्स्टिपेशन, ये खत्म होगा, साथ में बदन दर्द खत्म होगा, शरीर का दर्द खत्म होगा, पानी की कमी पूरी करेगा। आज जो हीट क्या है, मेरा नाम देवी है। आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं नगर की रहने वाली हूँ। यहाँ मैम कितने साल से या कितने महीने से यहाँ पर इलाज करा रही हैं? 4 महीने। बेसिकली आपको प्रॉब्लम क्या थी? हमको गैस की प्रॉब्लम थी, हम 1 हफ्ता 15 दिन बाद हम वो एसिलाट खाते थे जी जी। और उसके बाद जब से हम यहाँ का प्रोडक्ट खाना शुरू कर दिए तब से हमको 3-4 महीना हो गया, एक हम
कैप्सूल नहीं खाए, एक एसीलाट भी नहीं खाए। यहाँ की दवा से आपको फायदा भी हुआ है, फायदा आपने बाहर भी इलाज कराया होगा। हाँ। तो यहाँ की दवा और बाहर की दवा में कुछ अंतर है? महंगी है, सस्ती है, इस तरह की? महंगी नहीं है, सस्ती है। सस्ती है दवा, आपको काफी इसमें आरामदायक महसूस हुआ? गैस वाला प्रॉब्लम सही हो गया, मेरे कमर में दर्द था वो भी सही हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए प्राकृतिक चिकित्सा जो कहा भी जाता है कि क्षितिजल गगन पावक समीरा, इन पांच तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। आइए एक स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए आपका कदम से कदम मिला करके हम बढ़े, प्रयास करें। मैं यूपी एक्सप्रेस ब्यूरो हेड सुनील मर त्रिपाठी गोरखपुर और हमारे साथ छायाकार अतुल श्रीवास्तव, धन्यवाद। थैंक यू।